आप देख रहे हैं MP7 न्यूज़। सच तो सच है, हर खबर सत्यता पर आधारित। देखते रहिए MP7 न्यूज़। प्रज्ञा ब्यूटी पार्लर एंड जनरल स्टोर, हमारी सेवाएं जनरल आइटम ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग व मसाज कार्य व दुल्हन ज्वेलरी किराए से उपलब्ध है। एक बार आपके अपने संस्थान पर अवश्य पधारें। हमारे संपर्क नंबर 9131549575, 9713183473। आत्री माता, तहसील मनासा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। प्रज्ञा ब्यूटी पार्लर एंड जनरल स्टोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाखों दर्शकों की पसंद MP7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल जबलपुर। 17 साल की किशोरी के स्टमक व आंतड़ियों के बीच 1.5 इंच लंबा स्क्रू ऊपर नीचे होता रहा। किशोरी ने 11 माह पूर्व उसे गलती से निगल लिया था। वह तभी से पेट दर्द की समस्या से परेशान थी। विक्टोरिया अस्पताल पहुंची किशोरी का परीक्षण करने के बाद चिकित्सकों ने ऑपरेशन का निर्णय लिया। पेट पर करीब 6 इंच लंबा चीरा लगाकर चिकित्सकों ने स्टमक में फंसा लोहे का स्क्रू निकाल दिया। ऑपरेशन के बाद किशोरी की हालत बेहतर है। किशोरी का सफल ऑपरेशन शल्य चिकित्सक डॉक्टर एसके पांडे, डॉक्टर जयदीप अरोरा ने किया। भोपाल निशांतपुरा थाना पुलिस के मुताबिक क्षेत्र में रहने वाली 28 वर्षीय युवती शुक्रवार देर रात घर लौट रही थी। देवकी नगर स्थित रेलवे ट्रैक के पास उसे आशु उर्फ नफीस नामक युवक ने रोक लिया और अश्लील हरकत करने लगा। महिला ने विरोध किया तो आशु ने उसे साथ मारपीट कर दी और भाग निकला। महिला ने घटना की शिकायत शनिवार को दर्ज कराई। इधर कमला नगर पुलिस के 20 वर्षीय युवती की रिपोर्ट पर पड़ोस में रहने वाले गोलू नाम के युवक के खिलाफ अश्लील इशारे करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है। बेरसिया थाना पुलिस के मुताबिक क्षेत्र में रहने वाली 19 वर्षीय युवती शुक्रवार शाम को घर में अकेली थी। इस दौरान गांव का राजू ठाकुर नाम का युवक घर में घुसकर छेड़छाड़ करने लगा। शोर मचाने पर युवती के पिता वहां पहुंचे तो राजू उनसे गाली गलौज करते हुए भाग गया। युवती ने शनिवार को थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इंदौर, 2 दिन बाद इंदौर आ रहे पश्चिमी रेलवे के GM आलोक कंसल से मिलकर ZRUCC के पूर्व सदस्य इंदौर की रेल समस्याओं को हल करने की मांग करेंगे, उन्हें एक ज्ञापन भी देंगे। पूर्व सदस्य जगमोहन वर्मा एवं अजीत सिंह नारंग ने बताया कि ज्ञापन में प्रमुख रूप से खंडवा अकोला गेट कन्वर्जन प्रोजेक्ट के महू सनावत के बीच बचे हुए काम शीघ्र शुरू करने, मुंबई व्याहा फतेहाबाद ट्रेन के लिए नौगांव स्टेशन से राधा कृष्ण नगर स्टेशन तक प्रस्तावित 17 किलोमीटर के हिस्से में नई रेल लाइन का कार्य शीघ्र ही प्रक्रिया में लेकर उसे जोड़ा जाए। छोटी बड़ी ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए लॉगिन करें www.mp7news.in पर।